स्वागत है मैं फिर से ऑनलाइन अप्लाई इंडिया में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडसेंस पिन आने में कितना टाइम लगा $10 होने के बाद से। तो अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने मेल में। जैसे मेरे अकाउंट में $9 हो गए थे, करीब 22 अप्रैल को मेरे अकाउंट में $9 हो गए थे, तभी हमको एडसेंस की तरफ से मेल आया, यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। मतलब हमको अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करना था गूगल एडसेंस से पेमेंट लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम गूगल एडसेंस। तो हमने यहाँ पे अपना पैन कार्ड जो अपलोड कर दिया था, उसके बाद से हमको नेक्स्ट डे ही मेल आ गया था 23 तारीख को, गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरीफिकेशन सक्सेसफुल। तो $23 के करीब हमारे अकाउंट में भी $10 हो चुके थे। तो मैंने इसके नेक्स्ट दिन मतलब बैक डे मतलब 22 अप्रैल को मैंने अप्लाई कर दिया था, अपना आईडी जो है अपलोड कर दिया था, पैन कार्ड आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं था, और ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट देके वेरीफाई करा सकते हो। तो मैंने अपना पैन कार्ड से किया था। फिर हमको आया 23 तारीख को फिर एक मेल आया था, एक्शन रिक्वायर्ड वेरीफाइड और पेमेंट एड्रेस डिटेल्स इन एडसेंस। तो ये हमको आया था मेल कि हमको अपना पिन जो है गूगल की तरफ से भेज दिया गया है, एडसेंस पिन वी सेंड यू, देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ, वी सेंड यू अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन मेल 23/2021 को हमको एडसेंस का पिन वहाँ से सेंड कर दिया गया था। और कितना टाइम लगा आने में ये भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। तो हमको 23 अप्रैल को फ्राइडे था उस दिन सेंड किया गया था शाम को करीब, और उस दिन हमको $10 जो है मेरा हो चुका था, क्योंकि 3:30 बजे के बाद जो है हमारा डॉलर जो अपडेट होता है कितना पेमेंट जो है रेवेन्यू। तो जैसे ही मेरा रेवेन्यू $10 हुआ, उसके बाद से हमको एडसेंस पिन जो है 23 अप्रैल को ही शाम को करीब हमको ये मेल आया था, उस दिन भेज दिया गया था। तो उसके बाद से हमको लगा पूरा 3 वीक्स लग गया था आने में, मतलब 23 अप्रैल को वहाँ से भेजा गया, फिर हमको 3 वीक तक मैंने वेट किया, मतलब 14 मई को हमको एडसेंस पिन जो है मिला, मतलब पूरे 3 वीक्स लग गया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप 3 वीक्स तक नहीं मिल रहा है तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दिखा दूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, इट्स यूजुअली टेक्स 3 वीक्स टू गेट योर पिन इन द मेल, ठीक है। तो हमको पूरे 3 वीक्स ही लग गए थे, हमको लग रहा था लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, मेरा पिन जो है आराम से आ गया था, सुबह में 14 अप्रैल को हमको मिल गया था। 3 वीक्स वेट किया मैंने, फिर जैसे ही मैंने उस 14 मई को मैंने अप्लाई करने वाला था फिर से एडसेंस पिन के लिए, लेकिन उससे पहले ही सुबह में ही आ गया था। तो आपको देख सकते हैं मैंने पूरा जो है आपको प्रूफ के साथ दिखाया इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देखें तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।